राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है। कांग्रेस ने इंडिक अलायंस के नाम पर गठबंधन तो कर लिया, लेकिन वही साथी कह रहे हैं कि फील्ड में कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ ही नहीं है। साथ दे भी क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है राजनीतिक वर्चस्व चुनौतीपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल के आंसू तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही एक तरीके से राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। हालांकि ये वाक्य हनुमान बेनीवाल ने नहीं कहे, लेकिन मायने वही निकल रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की 7-20 चुनाव पर दाव है। खींवसर में बड़ी मुश्किल से जीते थे, अब लोकसभा चुनाव नागौर उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। शेखावाटी में, सीकर में लेफ्ट को सीट तो दी गई, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लेफ्ट कर रहे हैं। बड़े नेता तो सभाओं में आते हैं तो कार्यकर्ता दिखते हैं, बाकी अकेले अमराराम घूम रहे हैं। बांसवाड़ा में भी कमोबेश यही हाल है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में थी, सीटें हमें दी, मदद के लिए आओ, बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। आप राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, अच्छी खबर लाते रहेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आकाश गौरव, स्वागत है आकाश। नागौर की बात कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि चुनाव तक आते आते कई रूप देखने को मिल जाते हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं को डपटते हैं, कभी दूसरे को गरियाते हैं। हालांकि वहां पर तो महिला प्रत्याशी है, उनका मायरा भरने की बात भी कह चुके हैं, सम्मानजनक चीज होती है, लेकिन इसका इन्होंने अर्थ ही बदल दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन हाल ही में उनका एक भावुक भाषण कार्यकर्ताओं के बीच में रहा, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ढूंढते नजर आए, क्या वाकया था वहां? आज तो खैर हनुमान बेनीवाल चेतन दूडी के साथ वहां घोड़े पर घूम रहे हैं। देखो मैंने कहा बड़े नेता तो हैं, कार्यकर्ता निचले स्तर के पदाधिकारी वो गायब हैं। बस बड़े नेता तो शक्ल दिखाने आते हैं, उन्हें तो देना है राहुल गांधी सोनिया गांधी को जवाब, उन्होंने तो देना है पीसीसी में। हालांकि पीसीसी में कोई जवाब लेने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी जवाब तो देना ही होगा अगर पत्राचार होता है। जी बस बात यही है कि आरएलपी के सहयोग के लिए वहां पर कांग्रेस के जो फौज है, युवाओं की फौज है, वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। आरएलपी के युवा पूरी तरीके से लगे हुए हैं वहां पर, और कांग्रेस के जो वहां पर बड़े नेता हैं, हमने देखा शुरू से कि जाकिर हुसैन गेसावत ने जितनी ज्यादा मेहनत की है आरएलपी के साथ गठबंधन के लिए, उतनी शायद किसी ने नहीं की नागौर में। चेतन डूडी उनके साथ लगे रहे, मुकेश भाकर आ गए, रामनिवास गावड़िया। आकाश जी आ तो गए जी, लेकिन पीड़ा क्यों है? दर्द तो तभी होता है जब दवा ना मिली हो। दिख तो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब नजर टटोलते हैं कि वोट देंगे क्या, तो पता लगता है वो तो भाजपा ही निकले। बस यही बात है। दरअसल हनुमान बेनीवाल को शायद इस बात का डर है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कहीं भाजपा के लिए वोट ना कर दे, कहीं ज्योति मिर्धा के साथ सेंटिमेंट से ना चले जाए, क्योंकि राजस्थान में तीन लोगों की राजनीति चमकती हुई बताई जाती है। एक जो बागी हो, दूसरा जो लगातार हार रहा हो, ज्योति मिर्धा लगातार हार रही है, तीसरा जो पूर्व हो जाता है। तो उनकी तो खत्म होने के कगार पे है। वैसे अगर चुनाव हार गई तो बाद में ज्योति मिर्धा का नाम लेने लायक नहीं बचेगा कोई। मनीष मिर्धा एकदम से सक्रिय हो गए, उन्हें लग रहा है मिर्धा परिवार की विरासत अब उनके हाथ में होगी। जी इसीलिए तो जब हारी हुई ज्योति है लगातार तीन चुनाव हनुमान बेनीवाल के ही सामने है, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यहां पर कहीं ज्योति मिर्धा के साथ वो सेंटिमेंट सिंपथी वाली चीजें ना चले जाए और कांग्रेस का जो वोटर है, बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए, जो वोटर है वो कहीं आखिर में ज्योति मिर्धा के नाम पर मुहर ना लगा दे कि नागौर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, तीन बार लगातार हार रही हैं, हनुमान बेनीवाल की राजनीति तो बड़ी है, वो ऑलरेडी विधायक है, नहीं भी पहुंचेंगे तो दिल्ली क्या होगा। लेकिन ज्योति मिर्धा अगर हार गई, दिल्ली नहीं गई, तो फिर यहाँ विधानसभा चुनाव के बाद लगातार लोकसभा हारना, बड़ी पार्टी के सिंबल के बाद, तो ऐसे में ज्योति मिर्धा की राजनीति जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक उस हाशिए पर जाती हुई नजर आएगी। इसीलिए सिंपति के कारण शायद हनुमान बेनीवाल इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक, पूर्व विधायक, नेता है, वो तो बेनीवाल के साथ लगे ही हुए हैं। कार्यकर्ताओं का भी जरूरी है, नेता कभी चुनाव नहीं जनाता, नेता ही कार्यकर्ताओं से बनता है, तो वो कार्यकर्ताओं की कमी को महसूस कर रहे हैं इस वक्त। उस कार्यकर्ताओं की कमी, क्या सच में इंडिक अलायंस को राजस्थान में इस लेवल पर स्वीकारा नहीं गया? मैं किसी भी सीट की बात करूं तो वहां पर जहां पर गठबंधन है वहां कार्यकर्ताओं की कमी है,
नेता तो लग रहे हैं साथ में। वैसे तो जो कांग्रेस की सीटें हैं वहां भी कमी है, प्रत्याशी अपना ही दम लगा रहे हैं, कांग्रेस के तो खाते सीज हो गए हैं, ऐसे में उनके खातों में जो सहायता राशि पहुंचती थी वो भी नहीं पहुंची है। बिल्कुल, ऐसे में जो ये कार्यकर्ताओं वाली बात है, चाहे सीकर हो, बांसवाड़ा हो, चाहे नागौर हो, कार्यकर्ता लगकर नहीं आ रहे हैं। सीकर में तो नेताओं को भी बाद में बुलाना पड़ता है कि हमारा नाम प्रचार के लिए आपके विधानसभा में आए, आइए आप यहाँ बैठिए। कल पायलट ने भी देखिए मंच से कहा, वीरेंद्र सिंह के ओर इशारा करते हुए अमरा राम को कहा, आप दिल्ली जाइए, दातारामगढ़ छोड़िए, आप सीकर की राजनीति में आइए। तो ये एक तरीके से इशारा है अपनी पार्टी के नेता को सेफ करने का, जो उन्होंने वहां पर सीकर में सचिन पायलट ने अमरा राम की ओर इशारा करते हुए वीरेंद्र सिंह के लिए, नारायण सिंह के लिए ये बात। वीरेंद्र सिंह लग नहीं रहे थे चुनाव प्रचार में, अमरा राम को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके मन में दर्द था, इसलिए सचिन पायलट को कहना पड़ा। और सचिन पायलट ने जिस अंदाज में कही, ये बात गंभीरता से कहनी चाहिए थी, उन्होंने हंसते हंसते कही। हालांकि सचिन पायलट कैसे भी कहे, उनकी ट्रोल आर्मी उन्हें अच्छे तरीके से लेती है, लेकिन राजनीति में जो गंभीरता इन दिनों सचिन पायलट में आई हुई है वो इस बयान में थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी थी। जी, ऐसे में तो कार्यकर्ताओं की बात है तो वही डर हनुमान बेनीवाल को है, वही डर अमरा राम को है, वही डर वहां राजकुमार रूथ को है। और राजकुमार रूथ के लिए तो बड़ी दिक्कत है कि वहां तो ना कांग्रेस के नेता ना कार्यकर्ता कोई साथ आने तैयार नहीं है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के साथ फिर भी नागौर में अभी एज बताया जा रहा है, और अमरा राम के लिए अभी भी सीकर में एज बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर अलग हो भी जाए तो भी खुद कॉमरेड की अपनी फौज और वहां का जो किसान है वो कॉमरेड के साथ लगकर आएगा। और कल जो एक बड़े टीवी चैनल के सीकर में डिबेट में जो मारपीट हुई है, उससे कहीं ना कहीं शायद सुमेधानंद सरस्वती के इमेज पर एक बड़ा डेंट गया है। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी अब शायद लगते हुए दिखेंगे। हनुमान बेनीवाल का ये बयान है तो अब तो उनके बयानों को अभी लंबा समय, रोज वो 3 से 4 बयान ऐसे दे देते हैं मार्केट में और सोशल मीडिया पर कि दिन भर चर्चा का विषय बने रहते हैं, और उनके समर्थक और जो तमाम पत्रकार हैं वो हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ ना कुछ दिन भर लिखते ही रहते हैं। लेकिन ये आदत है हनुमान बेनीवाल की कि वो बयान ही कुछ इस तरीके से देते हैं कि वो सुर्खियां बन जाए, लेकिन ये सुर्खियां उनकी नेतागिरी पर भी असर कर रही है। क्या हनुमान उतने प्रभावी इस बार नहीं रहे जितने की हमेशा चुनाव में दिखते हैं? विधानसभा चुनाव में करारी हार उनकी पार्टी की जो रही, उसका कुछ असर उनके दिल पर, दिमाग पर दिख रहा है? हनुमान बेनीवाल को 3 फेजेस में देखा जा रहा है। एक, जब उन्होंने पार्टी बनाई, मजबूती से उतरे, ललकारा कांग्रेस पार्टी को यहां पर, भाजपा के साथ दिल्ली पहुंचे, उस समय उनकी बयानबाजी थी किसानों के लिए, उस समय वो डेवलपमेंट और तमाम चीजों की बात करते थे। डेवलपमेंट की बात अभी भी करते हैं, लेकिन फिर जब आया राजस्थान का ये वाला विधानसभा चुनाव, नहीं तो, बड़ा फेज वो था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ा किसानों के नाम पर। जी, जी, उनकी राजनीति वहीं से पतन की ओर गई है। जी, बीजेपी उन्हें 1% अपनी ओर लेना नहीं जा रही है, वरना यहाँ पर जो संभावनाएं थी उनके आधार पर तो नागौर से वो ज्योति मिर्दा की जगह हनुमान बेनीवाल के साथ भी जा सकते थे, लेकिन बीजेपी धोखे बर्दाश्त करने वाली पार्टी नहीं है, कड़े निर्णय लेती है। वर्तमान में राजस्थान में सत्ता में है, और ये सत्ता में रहते हुए भी हनुमान बेनीवाल ने कोशिशें तो की थी, खूब मीडिया की सुर्खियां आई, मजबूरी में कांग्रेस में गए, ऐसी भी बात आई। तो ये तमाम चीजें हैं जो असर दिखाती है कि हनुमान बेनीवाल अब अगर मजबूत होना चाहते हैं तो ये चुनाव उन्हें जीतना होगा, लेकिन ये चुनाव जीतेंगे तब जब केवल आरएलपी के नहीं कांग्रेस के भी वोट उन्हें मिले इसी गठबंधन में। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है, हनुमान बेनीवाल की ओर कई ऐसे प्रत्याशी देख रहे हैं, अनिल चोपड़ा चाहते हैं कि वो यहां आए, अमरा राम चाहते हैं वो आए, राहुल कसवा भी चाहते हैं कि वो चूरू आए, बाड़मेर से उम्मेदाराम बेनीवाल तो उन्हीं के व्यक्ति हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन दिया है और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और अब कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा है, हेलीकॉप्टर तक खड़ा था हनुमान बेनीवाल को उस बड़ी सभा में बुलाने के लिए, लेकिन वो नागौर से निकल नहीं पा रहे हैं। नागौर से बाहर जाएंगे तो ही प्रचार कर पाएंगे, लेकिन नागौर से पहली बार ऐसा हुआ है कि नागौर में अपने आप को पूरे राजस्थान का शक्तिशाली नेता बताने वाला केवल नागौर लोकसभा में सिमट कर रह गया है, बाहर जा ही नहीं पा रहा है। जी, बाहर जाने को जो नहीं जा पा रहे हैं उसको लेकर जो 3 फेजेस में बता रहा था, सबसे पहले कि उन्होंने शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर हमला बोला,
फिर विधानसभा चुनाव आया तो यहाँ पर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर हमलावर हुए। अब ये तीसरा फेज चल रहा है कि कार्यकर्ताओं पर हमलावर हो रहे हैं। तो वो जो डिग्रेडिंग वाला जो मामला है कि वो सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य और फिर अपने विधानसभा के नेताओं को लगातार लपेट रहे हैं, ये उनके लिए कहीं दिक्कत ना बने। बात रही कि किन सीटों पर वो प्रचार करने के लिए उनकी आवश्यकता है, सभी चाहते हैं कि वो आए, लेकिन नागौर से बाहर निकलेंगे तो कहीं यहाँ वोट कम ना हो जाए, इसको लेकर कहीं ये डर तो नहीं है? क्योंकि साथ आना एक अलग चीज है, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि यूनुस खान भी उनके साथ लग जाए। यूनुस खान नाराज चल रहे हैं पार्टी से और मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी कोई कोशिश भी कर रही है भाजपा। नहीं, समझदार नेता है यूनुस खान, को पता है कि ज्यादा बगावत ठीक नहीं है, और उसके लिए जिनका फिलहाल एक तरीके से चुनाव के बाद में क्या होगा वो पता नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल RLP के साथ NDA के साथ जुड़ के चुने गए और बीच में छोड़ दिया, बीजेपी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, तो उन्हें लगता है कांग्रेस के साथ चुने तो जाएंगे लेकिन कब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे, अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आनी है। तो यही सारी चीजें संभवतः इस एंगल से देखी जा सकती है जी। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल की वही चिंता है कि अगर वो, पहली बात तो अगर वो बाड़मेर जाते हैं तो नागौर में तो दिक्कत होगी, लेकिन बाड़मेर में कहीं इस प्रकार के कयास ना लगाए जाए कि ये पूरा ऑलरेडी चीजें सेट थी कि उम्मीदवार कांग्रेस में आएंगे, RLP से नहीं जीत पाएंगे इसलिए हनुमान बेनीवाल ने खुद भेजा, हरीश चौधरी साथ आ गए तो फिर हरीश चौधरी को दिक्कत हो सकती है अगर हनुमान बेनीवाल वहां आ जाए तो। क्या दिक्कत तो होगी बताइए जरा। हरीश चौधरी के लिए पहले से कहा जाता है, हनुमान बेनीवाल मंच से हरीश चौधरी के लिए बयान दे चुके हैं कि हरीश मुझे फोन करके कह रहे थे कि यहाँ पर प्रत्याशी मत उतारो, मैं चुनाव हार जाऊंगा। हरीश और उनकी अदावत पुरानी बताई जाती है, नागौर में जब हरीश प्रभारी थे तब भी अदावत उनकी बताई जाती है, तो फिर उनकी एक अदावत जातिगत समीकरणों को लेकर भी बताई जाती है कि दोनों नेता अपने अपने समाज में मुखर होकर सामाजिक तौर पर भी बड़े दिखना चाहते हैं, तो ऐसे में वहां जाना एक अलग चीज है। हालांकि जयपुर ग्रामीण आने की उनकी चर्चाएं हैं और ये अनिल चोपड़ा भी इस बात को कह रहे थे कि शायद 16 तारीख के आसपास वो यहाँ जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के लिए प्रचार करते हुए दिख सकते हैं, अभी तो पायलट लगे हुए हैं उनके लिए। ऐसे में क्या होगा तो समय ही तय करता हुआ दिखाई देगा। हनुमान बेनीवाल अभी चेतन दुड्डी के साथ हैं आज डीडवाना में, और जाकिर हुसैन गेसावत के यहाँ मकराना से वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका लाडनू में उनका कार्यालय का उनका उद्घाटन है, मुकेश भाकर वहां पर मौजूद रहेंगे, जल्दी वो कार्यक्रम भी होने वाला है। तो हनुमान बेनीवाल नेताओं को साधने में लगे हैं कि अगर मैं मुकेश भाकर यूथ आइकन साध लूं तो कार्यकर्ता साथ आ जाएंगे, चेतन डूडी को साथ लूं तो वो कांग्रेस से कार्यकर्ताओं को साथ देंगे, तो वो नेताओं को साधने में लगे हुए हैं और उनके लिए वहां पर महिलाएं गीत भी गा रही हैं, वो खुद भी महिलाओं से कह रहे हैं कि जल्दी बड़ा मायरा भरा जाएगा। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। राजस्थान चौक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या हनुमान बेनीवाल संकट में है या इस बार नागौर का ताज फिर उनके सर पर होगा। नमस्कार।